डायल G15 वर्सेस HP विक्टस, कौन सा परचेस करें अंडर 70K का बजट में, क्योंकि यही दो लैपटॉप है ना जो कि अंडर 70K आपको प्रोवाइड करेगा i5 12th जेन का CPU प्लस RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड। अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि 70K में हम कौन सा गेमिंग लैपटॉप परचेस करें, आप ये वीडियो पूरा देखो, उसके बाद आपके माइंड में क्लियर आंसर होगा ना कि कौन सा आपको लैपटॉप परचेस करना है 70K के बजट में। साथ ही साथ मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि अगर मैं आपके जगह पे होता, मेरा बजट होता 70K, तो मैं कौन सा लैपटॉप परचेस करता। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन पे। देखो जो HP का लैपटॉप है वो बहुत ही प्लेन लैपटॉप, सिंपल सा लुक है, कोई वैसा गेमिंग लैपटॉप जैसा डिजाइन नहीं है। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेल का G15, भाई साहब क्या प्यारा लैपटॉप है, पहला नजर में आपको उससे प्यार हो जाएगा क्योंकि गेमिंग लुक है, साथ ही साथ बहुत ही रफ एंड टफ है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा लैपटॉप अधिक ड्यूरेबल है, तो नो डाउट डेल का G15 बहुत ज़्यादा ही ड्यूरेबल है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कूलिंग का, ठीक है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में जो सबसे मेन चीज़ होता है ना वो होता है कूलिंग। लैपटॉप कितना जल्दी ठंडा हो सकता है या फिर कितना हीट हो रहा है, तो डेल का G15 का जो कूलिंग है ना वो बहुत ही अच्छा है, HP का उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने दोनों ही लैपटॉप को यूज़ किया हूँ और वहाँ पे मैंने देखा कि डेल का जो G15 है वो बहुत ही बढ़िया उसका कूलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वेंट्स आपको अच्छा खासा मिल जाएगा डेल का G15 में। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर पे। देखो दोनों ही लैपटॉप में आपको i5 12th जेन का CPU देखने मिलेगा, पर यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जो HP का लैपटॉप है ना उसमें जो i5 12th जेन का जो वेरियंट है वो है 12450H। ये जो लैपटॉप है ना, मतलब ये जो प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर बस 8 कोर का CPU है, ठीक है, बस 8 कोर का। वहीं पे जो डेल का G15 है उसमें जो i5 12th जेन का जो वेरिएंट है वो है 12500H, ये 12 कोर का CPU है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया उसमें 8 कोर है, इसमें 12 कोर है। और अगर आप नहीं समझते कि कोर क्या होता है तो सिंपल सा समझ लो दिमाग। जो HP के लैपटॉप है उसमें 8 दिमाग है, साथ ही साथ जो डेल का लैपटॉप है ना उसमें आपको मिलेगा 12 दिमाग। और ये बात आप जानते हो कि जब से i5 का 12th जेन या फिर 12th जनरेशन जब से आया है ना, तब से पी कोर और ई कोर का कॉन्सेप्ट भी आया है। आप नहीं समझते ना, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। देखो जो कोर्स होती है ना वो डिवाइडेड है, जैसे कि जो HP का लैपटॉप है उसमें आपको 4 पी कोर मिलेगी और 4 ई कोर मिलेगी। और जो पी कोर का जो बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है ना वो है 2 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 4.4 GHz तक। और इफिशियंट कोर का बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी 1.5 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 3.3 GHz तक। वहीं पर जो डेल का लैपटॉप है उसका जो पी कोर है उसका जो बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है वो है 2.5 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 4.5 GHz तक। वहीं पे जो इफिशियंट कोर है डेल G15 का उसका बेस क्लॉक फ्रिक्वेंसी है 1.8 GHz और ये बूस्ट होकर पहुंच सकता है 3.3 GHz तक। देखो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा। देखो ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, सिंपल सा समझ लीजिए, उसका क्षमता है, जैसे हम लोग का दिमाग होता है, हम लोग दिमाग का सोचने का क्षमता होता है। तो आप बोल सकते हो कि जो फ्रिक्वेंसी जितना हाई होगा ना उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। और पी कोर और ई कोर क्या होता है मैं समझाता हूँ। पी कोर वहाँ पे काम करते हैं जब आप हैवी टास्क कर रहे हो, वहाँ पे पी कोर काम करेगा। पी कोर का पावर कंजप्शन बहुत ही अधिक होता है पर ये परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है अच्छा खासा। वहीं पे जो ई कोर है, ई का सिंपल सा मतलब समझो इफिशियंट कोर। देखो इफिशियंट कोर वहाँ पे काम करता है जब आप हल्का फुल्का काम कर रहे हो, जैसे कि हो गया फिल्म देख रहे हो या फिर MS ऑफिस चला रहे हो, मतलब हल्का फुल्का टास्क है ना, तो वहाँ पे ई कोर काम करेगा। ई कोर का पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से बैटरी बैकअप बढ़ सकता है। तो अब आप समझ चुके हो ना कि पी कोर वहाँ काम करेगा जब आप हैवी टास्क करोगे और ई कोर वहाँ काम करेगा जब आप हल्का फुल्का काम करोगे। और टोटली आप समझ चुके हो कि डेल का जो G15 है उसमें कोर्स अधिक है, साथ ही साथ पी कोर और ई कोर की फ्रीक्वेंसी अधिक है, तो डेल का G15 में CPU का परफॉर्मेंस अधिक होगा। अब हम बात करते हैं ग्राफिक्स पे। देखो दोनों ही लैपटॉप आपको मिलेगा 4GB का NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड। अब बस इतना समझो, पर जो ग्राफिक होता है ना उसका सबसे मेन चीज़ होता है वो होता है TGP। जितना अधिक TGP होगा उतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा। जो HP का विक्टस है उसमें आपको मिलेगा 75 W का TGP, वहीं पर डेल का जो G15 है ना उसमें आपको मिलेगा 90 W का TGP। देखो CPU का परफॉर्मेंस अधिक है, TGP अधिक है ग्राफिक्स का, साथ ही साथ कूलिंग अच्छा है, तो गेमिंग आपको अच्छा देखने मिलेगा डेल का G15 में। अब हम बात करते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब हो गया रैम। देखो जो HP के लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 8GB की 3200 MHz फ्रिक्वेंसी साथ DDR4M और इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो मैक्सिमम अप टू 16GB तक, ऐसा कंपनी का बोलना, हमने 3200 करके देखा है। वहीं पे जो डेल का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 8GB की 4800 MHz फ्रिक्वेंसी साथ DDR5 RAM और ये कंपनी का बोलना है 16GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, हमने 3200 करके देखा है। पर यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है फ्रिक्वेंसी का और DDR टाइप का। देखो जो HP का लैपटॉप है उसमें पुराना रैम लगा हुआ है 3200 MHz फ्रिक्वेंसी साथ DDR4 RAM,
वहीं पे जो डेल का लैपटॉप है इसमें अभी के टाइम का सबसे लेटेस्ट रैम है वो है 4800 MHz के साथ DDR5 रैम, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी दोनों ही लैपटॉप आपको मिलेगी 512 GB की PCIe NVMe SSD। दोनों ही लैपटॉप में आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले पे, तो जो HP Victus है उसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच का फुल HD IPS एंटीग्लेयर पैनल है, 144Hz की रिफ्रेश रेट है, 250 की ब्राइटनेस है, 45% NTSC कलर गैमट है और 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। वहीं पर जो डेल का J15 है उसमें आपको मिलेगा 15.6 इंच के फुल HD IPS एंटीग्लेयर पैनल है, यहाँ पे 120Hz की रिफ्रेश रेट है, 45% NTSC कलर गैमट है, 250 की ब्राइटनेस है और यहाँ पे 9 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डेल का J15 है इसमें बस 120Hz का पैनल है, वहीं पे जो HP का Victus है उसमें 144Hz का पैनल है। पर मेरे हिसाब से जब आप AAA टाइटल्स गेम खेलोगे ना, तो उसमें RTX 3050 में अगर हाई सेटिंग्स पे मुश्किल से जो FPS आता है ना वो 80-90 तक जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। पर वहीं पे अगर आप एक ऐसा गेम खेलते हो ना जैसे कि हो गया Valorant, वहाँ पे FPS बहुत अधिक जाता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से 120Hz सफिशियंट है। अब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी पे। देखो दोनों ही लैपटॉप आपको मिलेगी Wi-Fi 6 के फीचर्स, साथ ही साथ जो ब्लूटूथ है वो HP Victus में मिलेगा आपको 5.3 का वर्जन, और जो डेल लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 5.2 का वर्जन। इसमें कोई बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं, बहुत ही माइनर से डिफरेंस है, आपको उतना पता भी नहीं चलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें लैपटॉप के कीज पे, तो देखो दोनों ही लैपटॉप में जो कीज है लैपटॉप की वो बहुत ही जेंटली प्रेस होती है। बाकी अगर हम बात करते हैं बैकलाइट कलर में ना, तो डिफरेंस है यहाँ पे। जो HP का लैपटॉप है उसमें नॉर्मल सा व्हाइट कलर का बैकलाइट कीबोर्ड है, बाकी जो डेल का लैपटॉप है ना उसमें आपको मिलता है ऑरेंज कलर का बैकलाइट कीबोर्ड, जो कि बहुत ही शानदार सा लुक लैपटॉप प्रोवाइड करता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप आपको विंडोज 11 का सपोर्ट मिलेगा, MS Office 2021 की वेरिएंट है। दोनों ही लैपटॉप में आपको 720p की HD वेबकैम मिलेगी, प्राइवेसी शटर यहाँ पे नहीं दिया गया है। बाकी अगर हम बात करते हैं वेट पे, तो जो HP का लैपटॉप है उसका वेट है 2.37 kg, वहीं पे जो डेल का लैपटॉप है उसका वेट है 2.57 kg। यहाँ पे डेल का लैपटॉप हल्का सा हैवी हो जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं बैटरी का, तो जो HP का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 52.5 Wh की बैटरी, और जो डेल का लैपटॉप है उसमें आपको मिलेगा 56 Wh की बैटरी। और जो बैटरी बैकअप अगर मैं बोलूँ ना, तो दोनों ही लैपटॉप को इजीली 3 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप दे देंगे। पर अगर आप गेम खेलते हो तो जो बैटरी बैकअप होगा वो 2 घंटे के आसपास का ही होगा। और एट लास्ट अगर हम बात कर लेते हैं IO पोर्ट्स पे, तो आपको दोनों ही लैपटॉप में सफिशियंट IO पोर्ट मिल जाएगा। बाकी ऐसे मैं बता देता हूँ कि जो डेल का लैपटॉप है ना उसमें आपको 3 USB Type-A का पोर्ट मिलता है, और HP का लैपटॉप बस 2 ही मिलता है, तो ये कभी कभी दिक्कत कर सकता है। तो यहाँ तक मैंने आपको दोनों ही लैपटॉप का इन डेप्थ कंपैरिजन करके दिखा दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंपल सा देख सकते हो कि जो डेल का J15 है ये आपको बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। इसका जो CPU वो बहुत ही पावरफुल है, यहाँ पे 12 कोर का CPU है, तो CPU अच्छा हो गया। साथ ही साथ NVIDIA का GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, ये 90W TGA के साथ आता है, तो यहाँ पे जो गेमिंग का परफॉर्मेंस होगा ना वो अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे DDR5 रैम आपको मिल जाता है। तो यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरा बजट होता 70K तो मैं नो डाउट मैं डेल का G15 ही परचेस करता। तो मेरे हिसाब से आप भी यही परचेस करने वाले हो। तो अगर आपको कोई भी लैपटॉप परचेस करना है, आप ट्रस्टेड सेलर से परचेस करना। अगर आप ऑनलाइन परचेस करें ना, तो ट्रस्टेड सेलर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोग परचेस करें ऐसे वैसे सेलर से, फिर उनको वारंटी में दिक्कत मिल जाए है। तो अगर आप एक लैपटॉप परचेस करना है, ऑनलाइन परचेस करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक लैपटॉप का लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप उनसे पूछ सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, इंस्टा पे आओ मुझसे बात करो। बाकी जय हिंद जय भारत। अगला वीडियो किस पे बनाओ ये कमेंट कर देना।